एवरीवन, आज डीप लोक एलिमेंट्स का अध्ययन करेंगे। इनको डीप लोक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन N-1d सबशेल में एंटर करता है। डीप लोक एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में पोजीशन की बात करें तो मॉडर्न ग्रुप नंबर 3-12 तक उपस्थित रहते हैं। ओल्ड ग्रुप नंबर की बात करें तो 3rd b से 2nd b तक उपस्थित रहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन डी ब्लॉक के एलिमेंट करते हैं, जिसके कारण इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली रिएक्टिव और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जो कि पी ब्लॉक के लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस रिएक्टिव और कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो इन प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन डी ब्लॉक के एलिमेंट करते हैं, जिसके कारण इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट मेटेलिक प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसके कारण इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। अब दूसरा रीजन पढ़ते हैं कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, कि इनमें डीडी ट्रांजिशन होता है। अब बात यह आती है कि डीडी ट्रांजिशन क्या होता है? जब मेटल के अट्रैक्शन में लिगेंड आते हैं तो लिगेंड मेटल के डी जनरेट एनर्जी लेवल के डी ऑर्बिटल को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, जिन्हें T2g और Eg कहा जाता है। ये T2g और Eg दोनों डी ऑर्बिटल के ही पार्ट हैं। अब डी जनरेट एनर्जी लेवल में प्रेजेंट मेटल का इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के T2g में एंटर करता है और वह इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से फोटोन को ऑब्जर्व करके Eg में एंटर करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर के Eg में चला जाता है, जिसके कारण इन्हें डीडी ट्रांजिशन कहा जाता है। डीडी ट्रांजिशन के लिए कंडीशन क्या होती है? राइट हैंड साइड में अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? जैसे D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, परंतु D5 यदि वीक लिगेंड हो तो D5 की कंडीशन में T2g में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और Eg में कितने होंगे? 2 होंगे, जिसके कारण इन्हें सिमेट्रिकल कंडीशन में लिया जाता है। और सिमेट्रिकल कंडीशन में सामान्यतः डीडी ट्रांजिशन नहीं होता। दूसरा सिमेट्रिकल कंडीशन की बात करें, D10, तो D10 में T2g में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और Eg में कितने होंगे? 4। तो ये कंडीशन भी कौन सी कंडीशन कहलाती है? सिमेट्रिकल। इसका मतलब सिमेट्रिकल कंडीशन है वो कौन सी होगी? D5 जब वीक लिगेंड हो और D10। या अपन दूसरी कंडीशन की बात करें कि डीडी ट्रांजिशन तब होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जैसे अपन एग्जांपल से समझें, जिंक, कैडमियम, मरकरी ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, जिनमें जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d10 4s2 होता है। 3d10 आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, d10 के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है या अनसिमेट्रिकल कंडीशन नहीं है, जिसके कारण यहाँ डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में जिंक +2 का ऑक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d10 4s0 है।
3d10 सिमेट्रिकल कंडीशन है। दूसरा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण यहाँ डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिंक, कैडमियम, मरकरी हैं, उनमें डीडी ट्रांजिशन नहीं है, और डीडी ट्रांजिशन नहीं है तो इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, टाइटेनियम H2O6+3, हेक्जा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। टाइटेनियम प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गन 3d1 4s0। जब डी जनरेट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है तो d1 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। जब यह इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के t2g में जाता है तो t2g में जाने के बाद में विजिबल रीजन से फोटोन को ऑब्जॉर्व करता है और वह इलेक्ट्रॉन eg में चला जाता है। अर्थात यहाँ पे t2g से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, eg में, जिसके कारण इन्हें dd ट्रांजिशन कहा जाता है। और यहाँ dd ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसलिए टाइटेनियम प्लस थ्री है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d10 4s1 होता है। 3d10 सिमेट्रिकल कंडीशन है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए dd ट्रांजिशन नहीं होगा। कॉपर प्लस वन, ऑर्गन 3d10 4s0, d10 है, सिमेट्रिकल कंडीशन है या अनपेड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है, यहाँ भी dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। Cu+2 की बात करें, ऑर्गन 3d9 4s0, ये अनसिमेट्रिकल है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है लास्ट ऑर्बिटल में, तो यहाँ dd ट्रांजिशन पॉसिबल है। इन तीनों उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की यदि अपन परिभाषा की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट में एटॉमिक या एलिमेंट्री स्टेट में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होना चाहिए। जैसे ऊपर उदाहरण कॉपर की बात करें, कॉपर में ऑर्गन 3d10 4s1 है, यहां डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट नहीं है, इसलिए इस आधार पर इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जा सकता। परंतु दूसरे नियम के आधार पर यह है कि जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कॉपर प्लस टू की अपन ने बात की थी, उसमें d9 था और d9 है, इसका मतलब डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, इसका मतलब कॉपर प्लस टू दूसरी परिभाषा के आधार पर ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में आता है, परंतु कॉपर प्रथम परिभाषा के आधार पर ट्रांजिशन एलिमेंट में शामिल नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि इन दोनों परिभाषाओं में से कोई एक परिभाषा को सेटिस्फाई करता है तो वह ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में आता है। परंतु जिंक, कैडमियम और मरकरी दोनों ही परिभाषाओं को सेटिस्फाई नहीं करते, जिसके कारण इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। क्वेश्चन फर्स्ट है, स्कैंडियम 21 एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जबकि जिंक 30 ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि स्कैंडियम प्रथम परिभाषा के आधार पर, प्रथम परिभाषा क्या थी कि एटॉमिक या एलिमेंट्री स्टेट में इनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है। तो जैसे स्कैंडियम 21 की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 3d1 4s2, तो यहां डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में आता है। जबकि जिंक 30 की बात करें कि प्रथम परिभाषा
कि एटॉमिक या एलिमेंट्री स्टेट में इनमें डी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट। परंतु अपन ने पहले पढ़ा है कि जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑर्गन 3d10 4s2 होता है, यहां डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट नहीं है। इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरी परिभाषा की बात करें तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑर्गन 3d10 4s0 है। इस कंडीशन में भी इनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में नहीं आता। दूसरा क्वेश्चन, एजी और एयू परमाणु या परमाणविक अवस्था में पूर्ण डी कक्षक रखते हैं, फिर भी ये संक्रमण तत्व हैं, क्यों? क्योंकि ये कौन सी परिभाषा को सेटिस्फाई करते हैं? दूसरी परिभाषा को, कि प्रथम परिभाषा में इनकी एटॉमिक या एलिमेंट्री स्टेट में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट नहीं है। जैसे देखें अपन, एजी क्रिप्टॉन 4d10 5s1, डी ऑर्बिटल कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है। गोल्ड की बात करें, जिनोन 4f14 5d10 6s1, यहां भी एटॉमिक और एलिमेंट्री स्टेट में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट नहीं है, इसलिए प्रथम परिभाषा के आधार पर इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। परंतु दूसरी परिभाषा क्या थी? जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका डी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर की कौन सी है? +2। +2 कंडीशन में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्रिप्टॉन 49 5s0 है। तो इस कंडीशन के अंदर अपन बात करें तो डी ऑर्बिटल क्या है? इनकम्प्लीट है। जबकि गोल्ड की बात करें, इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में। अब आप कह दो कि सर गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 होती है। नहीं, ये अपन डबल सॉल्ट में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जीनोन 4f14 5d9 6s0 है, इसमें भी डी ऑर्बिटल क्या है? इनकम्प्लीट। इसलिए यहां अपन दूसरी परिभाषा के आधार पर कह सकते हैं कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 में इनमें डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं। इसलिए अपन यह कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? या तो एटॉमिक या एलिमेंट्री स्टेट में इनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होना चाहिए, और दूसरा जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक को सेटिस्फाई करता है तो वह ट्रांजिशन एलिमेंट है, अन्यथा नहीं है। जैसे आपने पढ़ा है जिंक कैडमियम मर्करी हैं, वो दोनों ही परिभाषाओं को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में नहीं आते। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स।